बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वह है क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 8.2 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज। जो 8.2 हमने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में कराया था, इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से एग्जाम में चांस है कि एक सवाल आएगा। सही, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। हर सवाल में थोड़ा थोड़ा अलग अलग टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा है, दो पार्ट दिए हुए इसके अंदर, दो अलग अलग पार्ट सॉल्व करने। सही, सवाल में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू टू पॉइंट। दो पॉइंट दे रहा है, एक को ए नाम ले लो और एक आपको बी पॉइंट दे रहा है। सही, जब भी किसी सवाल में सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट देता है ना, हमेशा इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं, जो हमें सवाल में इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। मैं आगे पार्ट देखने से पहले इन दोनों पॉइंट्स को सिंप्लीफाइड कर ले। तो पहले ए पॉइंट रखूंगा, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर 2 जी एक्स, एक्स की जगह 1, 2 एफ वाई की वैल्यू 2 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, यहाँ पर 2 जी और यहाँ पर 4 है, प्लस सी इक्वल टू 0। फिर आ जाते हैं सेकंड पे, सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है 2,3। तो पहले यहाँ मैंने जो पुट किया ना, लिख लेता हूँ कि आपको आसानी हो बाद में। सही, 1,2 है और अगला पॉइंट हमारा बी क्या है, 2,3। तो 2 2 4, 2 का स्क्वायर पहले, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2 जी, एक्स की वैल्यू 2, फिर 2 एफ वाई की वैल्यू 3 प्लस सी इक्वल टू 0। सही, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 4 जी, 3 2 6 है प्लस सी। तो इनको प्लस करके यहाँ मेंशन करोगे तो यहाँ पर आएगा डायरेक्ट 13, ये क्वेश्चन 2। अब तीसरे पार्ट के लिए देखो आपको क्या दिया है। पहले में बोल रहा है कि हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। जब किसी सवाल में सेंटर ऑन एक्स एक्सिस होता है तो पहली बात तो आप ये याद रखो, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। आपको इस सवाल में बोल रहा है एक्स एक्सिस पर है, जब एक्स एक्सिस होता है इसका मतलब वाई पॉइंट जीरो होता है, वाई पॉइंट इसका जो भी होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब हो गया जब एक्स एक्सिस पे हमें दे रहा है पार्ट वन, या लिखेंगे सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे सेंटर पहले लिखते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा, सेंटर पे एक्स एक्सिस है वाई पॉइंट जीरो होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस जी कॉमा जीरो। इसका मतलब हो गया आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई जीरो। माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो एफ की वैल्यू भी जीरो। तो इससे ये पता चला एफ की वैल्यू क्या होगी, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस पे जीरो होगी, एफ वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लूँ, यहाँ करता हूँ आगे, सामने हो जाएगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से सबट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 है 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0, फिर 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे साइन, साइनें चेंज होंगी, माइनस 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 माइनस, हर किसी की साइन प्लस थी तो चेंज हो गई, माइनस हो गई। ये c वाला पार्ट कटेगा, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। माइनस प्लस माइनस होता है, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा साइन ग्रेटर नंबर की। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 6 में से 4 जाएगा 2 एफ, सही इक्वल टू 0। अब आपको ये पता है कि एफ की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ सिंप्लीफाइड करने से पहले डायरेक्ट लिख दो एफ इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 0, तो ये आपका जीरो हो गया। ये होगा माइनस 8 माइनस 2g इज इक्वल टू 0, माइनस 8 इज इक्वल टू 2g, g इज इक्वल टू माइनस 4, g की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई, अब बच गई c की वैल्यू। इसके लिए आप कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन यूज करो और दोनों g और f पुट कर दो। इसी के आगे सॉल्व करता हूँ इसका पार्ट भी, तो पुट g इक्वल टू माइनस 4, एफ इज इक्वल टू 0, कौन सी में पुट कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में कर देता हूँ। सही है, इक्वेशन 1 है 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0 है, 5 2 g की वैल्यू माइनस 4, f की वैल्यू आपकी क्या है 0 प्लस c,
5 - 4 = 8, 4 0 = 0 है तो लिखेंगे नहीं जीरो वाले पार्ट को, इन दोनों को कर रहा हूँ -3 + c = c की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, जी आ गया, सी आ गया और एफ आ गया। जब तीनों आ गया तो आपको इक्वेशन में पुट कर देना है, इसी इक्वेशन में जो आपने ये लिखी थी ना, क्या हो जाएगा x² + y² + 2, जी की वैल्यू -4 है, फिर 2 एफ की वैल्यू 0 है, fy + c की वैल्यू 3, ये हो जाएगा x² + y² - 8x और ये +3 = 0। ये आपने पहला पार्ट सॉल्व किया, अब इसी के बाद सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में अब आपके पास क्या होगा, आपने याद रखा सेंटर एक्स एक्सिस पे एफ जीरो होता है, जब पार्ट नंबर 2 आपको दे रहा है उसमें आपको बोल रहा है सेंटर ऑन वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है जी की वैल्यू 0 होगी वहां पर। अब यही पार्ट आपने सॉल्व करना है, जी की वैल्यू 0 रखे, जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एफ 0 रखा था, तो इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दो, ये वाली इक्वेशन को जिसको आपने यूज करना, तो मैं रेड से दे रहा हूँ आपको हाईलाइट रहेगा, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए का। तो अब मैं एफ की वैल्यू 0 रखी थी पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए, पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए इसी इक्वेशन में पुट g = 0 इन इक्वेशन ए, तो ये हो जाएगी -8 - 2g - 2f है इक्वल। अब यहाँ g की वैल्यू 0, तो -8 - 2g की जगह 0 रखा, -2f = 0, ये ख़त्म हो जाएगा, -8 = 2f मान ले जाते हैं, +2f, f की वैल्यू आ गई -4, सही है, दोनों के सेम ही आई, तो इसका मतलब बाकी पार्ट भी तकरीबन सेम जाएगा। चलो देखते हैं, f की वैल्यू 0 आ गई, अब जैसे यहाँ पर क्या था पुट g किया था, तो यहाँ पर रखेंगे पुट f, पुट f = -4 इन इक्वेशन नंबर 1, f भी पुट करेंगे और साथ साथ आपके पास और मौजूद है क्या, g की वैल्यू 0, तो इस बार 0 पुट होगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1, 5 + 2g, पहले इक्वेशन लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है कि गलती का चांस ना हो, सही, 5 + 2, g की वैल्यू 0, f की वैल्यू -4 + c = 0, तो 5 2 0 = 0, 4 4 = 16 प्लस सी, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 16 - 11 + c = 0, तो सी की वैल्यू आ गई 11। अब इक्वेशन में जी एफ सी पुट करेंगे, तो x² + y² + 2 g की वैल्यू 0, 2 f की वैल्यू -4 + c, तो ये हो जाएगा x² - 4 2 = 8y + 11 = 0, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर, तो एक पार्ट का ये आंसर आया, दूसरे पार्ट का आंसर ये आया, सही है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जिसको मैंने सॉल्व करा, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल में ले सकते हैं, सही है? थोड़ा सा लॉजिकल है, ये चीज़ें थोड़ी अलग हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास क्या है 3, सवाल बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, दो पॉइंट देखो पासिंग दे रहा है और आगे बता रहे हैं हैविंग सेंटर ऑन लाइन, ये इस लाइन पे सेंटर है, सही, तो किस तरह करेंगे देखो, सबसे पहले तो आपको एक ए पॉइंट दे रहा है 3,1, आप इसको रख के सॉल्व करोगे, फिर आपको एक बी पॉइंट दे रहा है 2,2, उसको आप रख के सॉल्व करोगे, सही है, पहले दो सिंपल सॉल्व कर दे फिर तीसरा समझाता हूँ, सही, हमारे पास है x² + y² होता है, हमारे पास वैल्यू एक्स की वैल्यू 3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर + 2g एक्स, फिर 2f y + c, ये हो जाएगा 3 3 = 9 और 1 का स्क्वायर 1 3 + 1 10, यहाँ पर आ जाएगा 6g + 2f + c = 0, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। आगे आ जाते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर + 2g की वैल्यू 2x, 2f की वैल्यू 2, f की जगह f और y की वैल्यू, सही, +c = 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 = 8, 2 2 = 4x, 4f + c = 0, सही, इक्वेशन 2 आ गई। अब तीसरे पार्ट में बोल रहा है कि हैविंग सेंटर ऑन लाइन, सेंटर लाइन पे दे रहा है, लाइन की इक्वेशन दे रहा है x + y - 3 = 0, देखो ये x + y - 3,
जब सेंटर ऑन लाइन देता है तो आपने याद रखना है सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। आपने अब क्या कर देना है, इस इक्वेशन में एक्स वाई की जगह जी एफ रख देना है, माइनस जी माइनस एफ माइनस थ्री। ये आपके पास एक तरह से आ गई तीसरी इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन में जी एफ सी आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में जी एफ सी आ रहा है, और तीसरी इक्वेशन में आपके पास जी एफ आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से आप सी को कैंसिल करोगे पहले तो। तो इसको सी को कैंसिल करने के लिए सिंपल कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन बाय टू। इक्वेशन वन ले लेता हूं मैं, क्या है, टेन प्लस सिक्स जी प्लस टू एफ प्लस सी। फिर नीचे आ जाते हैं, एट प्लस फोर जी प्लस फोर एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो। सही, साइन चेंज करते हैं सब्ट्रैक्ट में, माइनस सब में आ जाएगा। ये कैंसिल कर दो, पेंसिल से करा करो ये साइन जो मैंने चेंज की है। तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर के साथ, 2 में से 4 जाएगा माइनस 2f, और आखिर में ये कट गया। अब इसमें देखो सब में 2 कॉमन है, सबको 2 से डिवाइड कर दो। सही, रिड्यूस हो गई इक्वेशन आपके पास 1 प्लस 2g माइनस f। आपके पास यहाँ से f की वैल्यू निकालना चाहो तो ये हो जाएगी 2g माइनस f है, वहाँ जाके प्लस f की वैल्यू आ गई। ये f की वैल्यू आप इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से भी निकाल सकते थे, मर्जी आपकी थी, दोनों तरीके से सही था। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, अब ये करूँगा पुट f इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री हमारे पास है माइनस g माइनस f माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। f की वैल्यू हमें रखनी है, माइनस है इसलिए f की वैल्यू रखने से पहले ब्रैकेट जरूर बनाओगे, ब्रैकेट नहीं बनाओगे आंसर गलत हो जाएगा। सही है, तो ब्रैकेट बना लिया, माइनस जी माइनस वन माइनस टू जी माइनस थ्री। इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, माइनस थ्री जी, इन दोनों को कर लूँ माइनस फोर। सही, तो ये हो गया माइनस थ्री जी, यहीं पर रहेगा, फोर वहाँ चला जाएगा। तो g की वैल्यू हो गई फोर अपॉन माइनस थ्री, तो g इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री, माइनस नीचे लिखते नहीं है। सही है, अच्छा मेरे को एक मिस्टेक दिख गई मेरी, कि मैंने यहाँ पर जब डिवाइड किया टू से तो यहाँ पर भी टू लिख दिया, हालांकि यहाँ पर क्या आएगा, वन आएगा। सही है, यहाँ पर जी, सही है, तो ये आपके पास यहाँ पर हट जाएगा, टू हट जाएगा बस, यहाँ से मैं मिटा के वापस कर रहा हूँ, हो जाती छोटी मोटी कभी भी गड़बड़, इंसान है। तो ये हो गया आपके पास माइनस जी माइनस जी माइनस टू जी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू जी को ये रखेंगे, जी वहाँ चला जाएगा और फोर वहाँ जाएगा। सही, जी की वैल्यू हो गई फोर डिवाइडेड बाई माइनस टू, जी इज इक्वल टू माइनस टू। सही, तो जी की वैल्यू आ गई माइनस टू। अब एफ निकालना है, यहाँ पुट कर देते हैं एफ के लिए, तो इसको कर देता हूँ ब्लैक से लिख देता हूँ तो आसानी होगी आप लोगों को। पुट जी, इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर फोर का, जी इन इक्वेशन फोर। तो ये हो जाएगी वन प्लस जी की वैल्यू माइनस टू इज इक्वल टू एफ, तो एफ इज इक्वल टू वन माइनस टू, एफ इज इक्वल टू माइनस वन। जी आ गया और एफ आ गया, अब बचा सी। सी निकालने के लिए आपके पास यही दो ऑप्शन है कि इन दोनों में से किसी एक में आप जी एफ दोनों पुट करो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पुट जी एंड एफ इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या है, इक्वेशन वन दी हुई है टेन, टेन प्लस सिक्स जी, उसके बाद है प्लस टू एफ प्लस टू एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो टेन प्लस सिक्स जी की वैल्यू माइनस टू, एफ की वैल्यू मेरी माइनस वन है। सही है, तो टेन माइनस ट्वेल्व माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें से सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, ये आ रहा है माइनस फोर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू फोर। जी आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, अब नाउ इक्वेशन में पुट करेंगे जी एफ और सी। तो फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी, होता है जी की वैल्यू फिर एक्स, टू एफ वाई एफ की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू फोर। तो ये आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो।
सही है, ये आपका आंसर बना, क्लियर है। तो ये आपके पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहले बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ अपना। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, थोड़ा सा अलग है सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट एंड अ लाइन दिस इज टेंजेंट टू सर्कल। सवाल की डायग्राम भी बनेगी इस सवाल में, तो एक सर्कल दे रहा है, सही, एक सर्कल है जिसके आपको दो पॉइंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट दे रहा है 0, -1, और एक पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो 3, 0। फिर आपको बता रहा है एन अ लाइन इज टेंजेंट, एक लाइन है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब है कि वो लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जाए, और बता रहा है टेंजेंट बन रहा है 3, 1, इसका मतलब यहाँ से एक लाइन टच करती हुई इसको जा रही है, इसको यूँ बना दे, ये लाइन इसको टच करती हुई जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन दे रहा है 3x + y - 9 = 0। तो ये आपको कंडीशन दी है सवाल के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ लिखोगे, सर्कल में सेंटर होता है -g, -f, सही है। तो आपके पास एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट बी आ गया, और सेंटर को ओ से लिख देते हैं, सही। और ये लाइन की इक्वेशन थी, इसको एल से नाम दे दो या L1, जो भी देना चाहो, सही है। अब आपके पास सवाल में सिनेरियो, तो सिंपल दो कप पहले इक्वेशन बन जाएगी, पहले जो बन सकती है वो कर लेते हैं। ए पॉइंट दिया 0, -1, इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वेशन हमारी होती है x² + y² + 2gx, 2fy + c = 0, सही है। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 0² - 1² + 2gx की वैल्यू 0, 2fy की वैल्यू -1 + c = 0। सॉल्व करेंगे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, ये 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2f + c, 0 इक्वल पहले लिख दिया +c = 0। ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड पॉइंट से निकालेंगे, दिया हुआ 3, 0, बी पॉइंट लिया हुआ हमने, उसको नाम तो 3, 0 लिखते हैं। यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर 0 स्क्वायर 2g, x की वैल्यू फिर 2fy की वैल्यू 0 + c, 3 का स्क्वायर 9, 3 × 2 = 6g, ये 0 और प्लस सी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब आगे सवाल में जो सिनेरियो दे रहा है उसको अगर मैं बताऊं, तो आपके पास एक लाइन ये बन रही है, मतलब वो लाइन जो सर्कल, इसको अगर थोड़ा तरीके से ड्रॉ करूं, जो तरीके से ड्रॉ नहीं हुई, हमेशा याद रखना कि टेंजेंट वाली जो लाइन होती है वो हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर ज़रूर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डायग्राम प्रॉपर बनाऊँ तो ये लाइन ही होगी, सही है। तो ये जो लाइन होती है टेंजेंट की, वो और जो हमारा पॉइंट सेंटर का होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसके हिसाब से ये जो बी पॉइंट है वो यहाँ बनेगा, तरीके से प्रॉपरली डायग्राम के हिसाब से, सही है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर चुका हूँ, सही, क्लियर है। मैं ज़्यादा मिटाऊंगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। अब मेरे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे ये देखना है कि इन दोनों की इक्वेशन में कैसे निकाल सकता हूँ। मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1, मतलब जो लाइन मुझे दी हुई है उसका स्लोप 3 आ रहा है, और जो राइट लाइन से मैंने लाइन बनाई है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है और साइन चेंज, इसका मतलब ये वाली लाइन, इसका स्लोप आ गया 1/3। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये फिगर है, ये रफ्फक होगा फिगर का सारा, जो प्रॉपर वे में वो आपको सॉल्यूशन शो करना है। एल आपको दी हुई है लाइन 3x + y - 9 = 0, इस लाइन का अगर स्लोप निकालता हूँ, इसको m1 दे देता हूँ, सही। तो ये हो जाएगा -a/b के फॉर्मूले से -3/1, मतलब -3। अब जो लाइन सर्कल से पास करी है उसको मैं m सिंपल दे देता हूँ, तो ये l वाली लाइन, l1 वाली लाइन के सर्कल की सेंटर की लाइन से परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर होती है तो सिर्फ m आपके पास जो हो जाएगा वो -1/3 बन जाएगा, सही। तो कंडीशन ये बनी कि ये जो लाइन रेड से बनी है इसका आपके पास स्लोप मौजूद है, और इसका आपके पास पॉइंट एक ये वाला मौजूद है, एक ये वाला पॉइंट मौजूद है। पहले एक पॉइंट को सिर्फ पॉइंट स्लोप से रख के सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, सही है। तो अब मैं करूँगा पॉइंट स्लोप फार्मूला हमारा है y - y1 mx - x1, ये फार्मूला लूँगा। इस फार्मूले में मैं वैल्यू रखूँगा किसकी, सेंटर -g, -f, और स्लोप रखूँगा इस लाइन का जो -1/3 है,
y माइनस वाई वन की वैल्यू माइनस f, m की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री, x माइनस x वन की वैल्यू माइनस g। सिंप्लीफाइड करते हैं, y प्लस f थ्री डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ बार माइनस है, x प्लस g। सिंप्लीफाइड करेंगे यहाँ पर, थ्री वाई प्लस थ्री एफ माइनस एक्स माइनस जी। साथ साथ अब हमें ये पॉइंट भी पता है कि ये वाली जो लाइन है वो टेंजेंट इस थ्री जीरो से बना रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे पासिंग थ्रो, ये पासिंग कहाँ से कर रही है, थ्री जीरो से, तो यहाँ लिखेंगे थ्री कॉमा जीरो से ये पास कर रही है, तो जहाँ पर x और y नज़र आ रहा है वहाँ थ्री जीरो रखेंगे, मतलब x पर ये y पर ये, प्लस थ्री एफ इज इक्वल टू माइनस x की वैल्यू थ्री माइनस जी, थ्री जीरो ज़ा जीरो, तो ये बचा थ्री एफ इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस जी। यहाँ से g को अलग कर लूँ तो g माइनस का है, यहाँ ले आओगे और इसको यहाँ ले आओगे, तो ये हो जाएगा g इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस थ्री एफ, ये आपके पास g की वैल्यू आ गई। और अगर ऊपर देखो तो आपके पास दो इक्वेशन आई थी, इन दोनों इक्वेशन में g और f था, तो इनमें से भी g f बनाने के लिए पहले इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। इन दोनों इक्वेशन को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो फिर वैल्यू पुट कर सकता हूँ, सही, क्योंकि डायरेक्ट पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जी एफ में है, ये जी सी और एफ सी दो वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो कर लेता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन बाय टू, इक्वेशन वन लिखता हूँ पहले, वन माइनस टू एफ प्लस सी इक्वल टू जीरो है, उसके बाद है नाइन प्लस सिक्स जी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइनें चेंज होंगी सबकी, देखो सबके साइने चेंज कर दी है, लिख दी मैंने, सॉल्व कर लेते हैं, ये है नाइन माइनस का वन प्लस का, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस एट आ जाएगा। अब ये एफ है ये जी है, दोनों वैल्यूज अलग हैं तो इन दोनों को आपने एज इट इज लिख दिया, ये सी आपका कैंसिल हो गया, सही। आपको पता है कि आपके पास जी की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, कि जी इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एफ, माइनस थ्री माइनस थ्री एफ, सही। अच्छा यहाँ एक चीज़ मैंने थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर स्लोप के वक्त साइन की, यहाँ पर माइनस थ्री था मैंने माइनस लगाया नहीं, तो जब यहाँ भी माइनस होगा तो यहाँ पर स्लोप में प्लस आएगा, सिर्फ इतना सा फर्क है, सही है। तो यहाँ पर m की वैल्यू प्लस में आएगी, जो मैंने माइनस में लिख दी थी, ये वाले प्लस में आएगी माइनस से, तो सही। तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो जब ये प्लस होगा तो यहाँ पर ही दोनों वैल्यू प्लस के आएंगे, ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में, पासिंग थ्रो पॉइंट करेंगे वही सारी चीजें सेम होगी, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, सही। अच्छा ये हो जाएगा थ्री जीरो ज़ा जीरो, थ्री एफ थ्री प्लस जी, प्लस थ्री है वहां जाके माइनस थ्री, थ्री एफ माइनस थ्री इज इक्वल टू जी, तो जी की वैल्यू आपके पास ये वाली आएगी, सही, ये पुट होगी थ्री एफ माइनस थ्री, सही। तो यहाँ पर थ्री एफ माइनस थ्री, थ्री एफ माइनस थ्री वैल्यू सम सिंप्लीफाइड करेंगे ऊपर, तो ये देखेंगे माइनस एट माइनस टू एफ माइनस सिक्स, जी की वैल्यू है थ्री एफ माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस एट माइनस टू एफ, सिक्स थ्री ज़ा एटीन एफ माइनस माइनस प्लस सिक्स थ्री ज़ा एटीन, सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं एटीन, और ये हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी एफ, इन दोनों को करेंगे एटीन माइनस एट प्लस टेन, प्लस टेन है वहाँ पर जाएगा माइनस का टेन हो जाएगा, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, टेन वन ज़ा टेन टू ज़ा ट्वेंटी, तो टू एफ इज इक्वल टू वन बच रहा है, एफ की वैल्यू आ गई वन अपॉन टू, एफ आ गया, जब एफ आ जाता है तो फिर जी निकालना है हमें, यहाँ पर पुट करेंगे तो पुट एफ, तो ये हो जाएगा थ्री एफ माइनस थ्री इज इक्वल टू जी, g इज इक्वल टू थ्री एफ की वैल्यू वन अपॉन टू माइनस थ्री, तो g थ्री वन ज़ा थ्री अपॉन टू, एल सी एम ले लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ रहा है माइनस थ्री अपॉन टू, एफ आ गया और g आ गया, बचा आपके पास अब c निकालने के लिए, c निकालने के लिए आपने क्या कर देना है, अब देखते हैं कि सी एम कहाँ से निकाल, इसमें c नहीं है नहीं निकल सकता, इसमें सी है और इसमें सी है, अब आपकी मर्जी, अब यहाँ एफ रखोगे तो सी आ जाएगा, यहाँ जी रखोगे तो सी आ जाएगा, आसान जो है वो इक्वेशन वन है, तो पुट एफ इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर हमने एफ पुट कर देना, एफ की वैल्यू है वन अपॉन टू, ये वन माइनस टू एफ की वैल्यू वन अपॉन टू प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये टू से टू कट गया,
वन माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई जीरो इसमें, सही है। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू, जी की वैल्यू है माइनस थ्री अपॉन टू एक्स, फिर एफ की वैल्यू टू, एफ की वैल्यू वन अपॉन टू वाई प्लस सी, सी की वैल्यू जीरो। सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू से टू कट गया माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स, यहाँ पर टू से टू कटा प्लस वाई, और यहाँ पर टू से टू कट गया तो यहाँ पर सिर्फ थ्री ही बचेगा, सिक्स नहीं बचेगा, सही। माइनस थ्री और जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा आंसर आएगा, सही। ये हमारा पार्ट नंबर जो फोर था वो एंड हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर फाइव है, थोड़ा इसी से मिलता जुलता पार्ट है, पहले बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन फाइव में भी देखो सवाल में बोल रहा है, थोड़ा सा आसान भी है और थोड़ी सी ट्रिक भी है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू ओरिजिन, सबसे पहली वर्ड इसमें सवाल में दिया ओरिजिन का, ओरिजिन का मतलब होता है जीरो कॉमा जीरो, मतलब पहला पॉइंट आपको ओरिजिन दे दिया। दूसरा बता रहा है एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट होता है इसका मतलब होता है वाई पॉइंट जीरो है, वाई पॉइंट क्या है जीरो है, इसका मतलब आपका पॉइंट हो जाएगा टू कॉमा जीरो, वाई पॉइंट जीरो है, एक्स इंटरसेप्ट टू, तो आप लिखोगे टू कॉमा जीरो। तो एक पॉइंट ये पता चल गया, दूसरा पॉइंट ये पता चल गया। आगे बता रहा है कि एक सर्कल है जो टेंजेंट बना रहा है, मतलब एक लाइन दे रहा है y माइनस वन इक्वल टू जीरो, इससे टेंजेंट बना रहा है। मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सेंटर कोऑर्डिनेट से माइनस जी कॉमा माइनस एफ से हमेशा परपेंडिकुलर होती है, सही है। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे तो माइनस ए अपॉन बी के फॉर्मूले से, ए की वैल्यू देखो इसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट नहीं है तो जीरो, वाई वाला कोऑर्डिनेट वन, इसका मतलब इसका स्लोप आ गया जीरो, सही है। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर पहले इन दो पॉइंट से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, फिर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू जीरो स्क्वायर, पहला पॉइंट पुट करें ए वाला, सही है, ए जीरो कॉमा जीरो, फिर ये वाला बी पॉइंट होगा जीरो स्क्वायर प्लस टू जी एक्स की जगह फिर जीरो, फिर टू एफ वाई की जगह फिर जीरो प्लस सी इज इक्वल टू, ये सारे जीरो तो डायरेक्ट पता चल गया, सी की वैल्यू आपके पास आ गई जीरो। फिर अगला पुट करेंगे, बी पॉइंट है आपके पास टू कॉमा जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास टू स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस टू जी एक्स की वैल्यू टू, टू एफ वाई की वैल्यू जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, टू का स्क्वायर फोर, टू टू जो फोर जी, ये जीरो प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वैसे तो इक्वेशन यहाँ आ जाएगी लेकिन आपको क्या पता है, पुट सी, सी पता है इसलिए मैं रेड से लिख रहा हूँ कि आपको याद है, सी की वैल्यू पता है, रख देंगे हम यहाँ पर, तो फोर प्लस फोर जी, सी की वैल्यू जीरो, तो ये हो जाएगा फोर इज इक्वल टू माइनस फोर जी, फोर से फोर कट गया, वन इज इक्वल टू माइनस जी बच रहा है तो जी की वैल्यू आ गई माइनस वन, सही है। आसानी सवाल में हो गई कि सी भी आ गया और जी भी आ गया, अब सिर्फ एफ बच गया निकालने के लिए, इसके लिए हम इनको यूज करेंगे। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब अगर इस लाइन को आप L1 नाम दे दो, इसको L, तो L1 परपेंडिकुलर है L2, तो फॉर्मूला लगाना चाहो ये वाला परपेंडिकुलर का, इसको लगा लो, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जीरो है थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए समझा देता हूँ, देखो M1 और M नाम दिया है ना आपने, L नाम दिया इसलिए L लिखोगे, सही, M2 नहीं लिखोगे इसकी जगह। तो M1 का स्लोप L1 का स्लोप M1, L का स्लोप सिर्फ M, आपके पास M1 की वैल्यू पता है जीरो, एम इज इक्वल टू माइनस वन, एम माइनस वन अपॉन जीरो, जीरो से कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है जब जीरो नीचे आता है वो इन्फिनिटी बनता है, या इसको सिंपल लिखते हैं वन अपॉन जीरो, साइन नहीं लिखते फिर इसमें, सही है। तो इसका मतलब यहाँ स्लोप आया इन्फिनिटी या वन अपॉन जीरो। अब हमारे पास पॉइंट है सेंटर का माइनस जी कॉमा माइनस एफ, स्लोप है वन अपॉन जीरो, इसको रखेंगे वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन में, y माइनस वाई वन की वैल्यू माइनस एफ, एम की वैल्यू वन अपॉन जीरो, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस जी, ये जीरो वहाँ जाके डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे पार्ट को जीरो कर देगा, तो ये वन है, वन से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला पार्ट सेम रहेगा, तो x प्लस जी आ गया, आपके पास g की वैल्यू पता है प्लस जी है वहाँ जाके माइनस जी, तो माइनस जी इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, यहाँ तक आ गया, इसको यहाँ तक एक छोड़ देते,
इसको यहाँ तक सॉल्व भी कर लेते हैं। आगे भी एक चीज कि x इज इक्वल टू जी की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस वन, तो ये हो गया x की वैल्यू वन बनी। अब और इसमें क्या करना है, हमें पॉइंट क्या पता है, पॉइंट पता था 2, 0, इसका मतलब x की और y की वैल्यू ये है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट रख नहीं सकते क्योंकि पिछले सवाल में हमें बताया दिया गया था कि टेंजेंट किससे बना है, इसमें बताया नहीं गया। जब ये बताया नहीं गया, अब x पता है, तो हम एक चीज पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन हमारी जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल, इसमें देखो आपको सारी वैल्यूज पता है, एक्स वाई जेड जी एफ, एफ को छोड़ के बाकी सब पता है। अच्छा, हमारे पास जो जो वैल्यू पता है ना, हम पुट करके एफ निकालेंगे। इसमें देखो x की वैल्यू पता है 1, y की वैल्यू सवाल में देखो यहाँ पे पता है y इज इक्वल टू 1 था, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1, 2, g की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 1, 2 f, y की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2, फिर 2 f प्लस 0 इज इक्वल टू भी 0, ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 प्लस 2f, यहां से अगर सिंप्लीफाइड करें तो 2f इज इक्वल टू 0, f की वैल्यू आ गई 0। अब जब f आ गया, फिर आपने इक्वेशन में gfc को पुट करना है इक्वेशन के लिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू माइनस 1, फिर 2, f की वैल्यू 0, फिर प्लस c की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x, ये भी 0, ये भी 0, हमारे पास ये आंसर आ गया, इतना ही सही है। तो ये हमारा पार्ट नंबर जो 4 था इसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था इसका आंसर। तो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 तक इस वीडियो में कवर हो गए, इंशाल्लाह 6 से और इसके आगे के जो अगली वीडियो में कवर हो गए इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को आगे भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम आगे इस तरह की वीडियो नहीं बना सकेंगे।